This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर बड़ा हादसा हो गया है। सुलावेसी में सोने की एक अवैध खनान में भूस्खलन से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा के पंचकुला के पिंजोर के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यह हादसा पिंजोर के नौलटा गांव के पास हुआ, जहां हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। हादसे में 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे घायल हो गए हैं। अयोध्या में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरयू नदी के विकराल रूप धारण करते हुए जलस्तर खतरे के स्तर को पार कर लिया है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का यह दूसरा विस्तार रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हो गया। मुंबई में बारिश को लेकर बीएमसी ने कहा कि मुंबई में आज सुबह 1 बजे से 7 बजे तक 6 घंटों में अलग अलग स्थानों पर 300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। राजधानी मुंबई में बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति हो गई है। मुंबई आने वाली कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। असम में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। बड़ी संख्या में जानवर भी मारे गए हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर का दौरा करने वाले हैं, जहां वह रिलीफ सेंटर्स का दौरा करेंगे। पिछले 4 हफ्ते में नेपाल में लगातार हो रही बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 90 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी स्टेट मिशिगन के डेट्रॉइट में रविवार रात हुई गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी में 19 लोग घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में बेकाबू रफ्तार ने एक महिला की जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया है, लेकिन बिगड़ेल बेटा अब भी फरार है। मुंबई में भारी बारिश के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और स्कूल को भी बंद करने का फैसला लिया है। शिवसेना यूपीटी के साथ गठबंधन टूटने पर विवेक प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि यह गठबंधन टूट चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूटा था। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल ब्लास्ट मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की पहचान हर्ष शेरिकर और रोहित काले के रूप में की है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मिली जुली रही। इसमें बीएसई सेंसेक्स तो बाजार खुलते ही 100 अंक नीचे चला गया, जबकि एनएसई निफ्टी एकदम सपाट खुलकर 24,300 के नीचे फिसल गया। अनन्या पांडे की कजिन अलाना पांडे मां बन गई है। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। बेबी के जन्म के बाद अलाना ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।